व्हाट्सएप अपने यूजर्स दे एक्सपीरियंस नू होर बेहतर बनाने लई अक्सर नवे नवे फीचर लॉन्च करता रहंदा है। ते हुन व्हाट्सएप यूजर्स दे लई एक नवा फीचर जल्द ही लॉन्च करन जा रहे है, जिसका नाम है मल्टी डिवाइस। इस नाल यूजर्स फोन तो इलावा चार होर डिवाइसेस च अपना व्हाट्सएप चला सकनगे। अते खास गल ए है कि इस दे लई प्राइमरी फोन नू नेट नाल जोड़ना जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप ने कहा है कि मल्टी डिवाइस फीचर ओदो भी काम करता रहेगा जब यूजर्स दी प्राइमरी व्हाट्सएप डिवाइस दी बैटरी खत्म हो जाएगी। यानी तुसी इस नो इस तरीके नाल समझ सकते हो कि जेकर तुहाडे फोन दी बैटरी जिस विच तुसी व्हाट्सएप चलांदे हो वो खत्म हो जाती है, तावी तुसी चारे डिवाइसेस च अपना व्हाट्सएप चला सकोगे। इस नो लेके सिक्योरिटी अते प्राइवेसी बारे चिंता बिल्कुल करन दी जरूरत नहीं। सारे डिवाइसेस विच इको जेहे लेवल दे गोपनीयता अते सिक्योरिटी होवेगी। एंड टू एंड इनक्रिप्शन भी सारे डिवाइसेस विच प्रदान कीती जावेगी। एक रिपोर्ट मुताबक व्हाट्सएप ने कुछ आईओएस उपभोक्तावां लई मल्टी डिवाइस बीटा प्रोग्राम शुरू कर दिता है। ए नवा फीचर फिलहाल अंशक तौर ते जारी कीता जा रहा है, इसलिए सारे यूजर फिलहाल इसका फायदा नहीं चुक सकेंगे। कि तुसी इस फीचर लई एलिजिबल हो या नहीं, ए जानने लई तुहानू व्हाट्सएप सेटिंग ते जाना होवेगा अते लिंक्ड डिवाइसेस वाले ऑप्शन नू क्लिक करना होवेगा, जिसनू पहला व्हाट्सएप वेब या डेस्कटॉप कहा जांदा सी। जो डिवाइस इस नवे फीचर लई एलिजिबल होणगे, उहनां नू इत्थे नवा फीचर मल्टी डिवाइस दे रूप विच दिखाई देवेगा। असीं तुहानू इक वार फिर दस दईए कि इह सिर्फ बीटा प्रोग्राम दे तहत लॉन्च कीता जा रहा है। ਪਾਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਟਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਫੋਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਵੈਬ, ਵਟਸਐਪ ਡੈਸਕਟੌਪ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਡਿਵਾਈਸ ਵੈਬ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟੌਪ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਮੋਹਾਲੀ।